नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। हिसार अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर और गुंबज माता सरस्वती का मंदिर और महाराजा अग्रसेन जी के मंदिर का सौंदर्यकरण का काम पूरा हो चुका है। अग्रोहा धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धाम की तरफ से खाने और ठहरने आदि का विशेष प्रबंधन किया गया है। हिसार फतेहाबाद जिले के अलावा प्रदेश में अलग अलग जिलों से अग्रोहा धाम आने जाने के लिए फ्री बस सेवा का प्रबंध किया गया है। 20 अक्टूबर को अग्रोहा धाम के ट्रस्टियों की मीटिंग भी रखी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अग्रोहा धाम में मेले के सभी प्रबंध का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में अग्रवाल समाज महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलकर सदियों से जनहित के कार्यों में लगा हुआ है। हिसार से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। अग्रोहा धाम में 20 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जिसके अंदर देश के कोने कोने से भक्तजन अग्रोहा धाम के अंदर दर्शन के लिए आ रहे हैं। जो लोग भक्तजन बाहर से आ रहे हैं, उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था अग्रोहा धाम की तरफ से की गई है। अग्रोहा धाम सबका धाम, अग्रोहा धाम के साथ पूरे विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है। अग्रोहा धाम के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से सुंदरीकरण हो रहा है। एक साल में लगभग इसके सुंदरीकरण में लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भव्य रूप से अग्रोहा धाम का निर्माण कार्य हो रहा है और सुंदरीकरण का काम जारी है। यहाँ तक कि जो मेला है, मेले के अंदर अनेकों कार्यक्रम सुबह से ही 20 अक्टूबर से रात तक चलेंगे, जिसके अंदर 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान, 7 बजे आरती, 10 बजे 56 भोग का प्रसाद, 11 बजे ध्वजारोहण होगा, 12 बजे हमारे अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी, 2 बजे मुख्य कार्यक्रम जिसमें भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा वहाँ सम्मेलन होगा और यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों के लिए भंडारे का कार्यक्रम भी रहेगा। अग्रोहा धाम के अंदर 250 कमरे बने हुए हैं। जो भी लोग श्रद्धांजलु बाहर से आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था हमने धाम में की हुई है और हिसार के अंदर भी की हुई है। और हिसार से और फतेहाबाद से और हरियाणा से जो लोग आएंगे, उनके लिए भी फ्री बस सर्विस की सेवा हमने रखी हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार यहाँ पर 20 अक्टूबर को मेले में आकर कुल देवी माता की लक्ष्मी जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, बाबा हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और अनेकों जो देवी देवता के मंदिर यहाँ बने हुए हैं, सभी में दर्शन करें। इसलिए हमने सारी व्यवस्था अग्रोहा धाम की तरफ से, पार्किंग व्यवस्था, जूते घर की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था, मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था, पंडालों की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था धाम की तरफ से चारू रूप से की गई है। मैं सभी को 20 अक्टूबर को यह मेले में पधारने के लिए अपील करता हूँ और साथ ही कल जो शरद पूर्णिमा का जो मेला है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।